ले चलते हैं रायपुर, जहां पर अमित शाह गृहमंत्री संबोधित करें, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते आपको। ये चारों एनकोर के माध्यम से इसकी रेगुलर बैठक से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसा मैंने आगे कहा चर्चा में, एनकोर की हर मीटिंग मिनिटाइज होनी चाहिए, इसमें लक्ष्य तय करने चाहिए, ये फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, और लक्ष्यों का तय किया हुआ उसके अचीवमेंट का रिव्यू भी हमने करना पड़ेगा, तभी जाकर हम कर पाएंगे। मानस पोर्टल अभी अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, उसका उपयोग करना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आईगोट का उपयोग करना चाहिए, और ढेर सारे कार्यक्रम सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के माध्यम से चलाए जा रहे हैं, इसका भी उपयोग करना चाहिए। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए भारत सरकार की एजेंसियों की मदद कुछ अंतरराज्यीय केसों में, अंतरराष्ट्रीय केसों में जरूर राज्य ले सकता है, हम पूरी मदद करेंगे, और कुछ अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय केस एनसीबी को अगर आप सौंपते हैं तो भी ये स्वागत योग्य इसलिए है क्योंकि आपकी इन्वेस्टिगेशन की मर्यादा के बियॉन्ड अगर केस का रीच है तो एनसीबी उसको कर पाएगा। जैसा मैंने पहले कहा, पीट एनडीपीएस का उपयोग यहां पर बढ़ाना चाहिए, इससे बड़ी नार्कोटिक्स को रोकने में हमें सफलता मिलेगी, और जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमिटी ये तंत्र का भी बेहतर उपयोग करना चाहिए। फाइनेंशियल ट्रेंड और फंडिंग के सोर्स इसकी जांच कर योग्य केस बनाकर संपत्ति की जब्ती को भी आग्रह के साथ करने का प्रयास करना चाहिए। मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़ एक विकसता राज्य है, कुछ ही सालों में छत्तीसगढ़, जिस तरह से छत्तीसगढ़ की नई सरकार काम कर रही है, एक विकसित राष्ट्र राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। हम ये प्रोसेस के साथ साथ विकास में सबसे बड़े अवरोध हमारी युवा पीढ़ी की नस्ल को बर्बाद करने वाले ड्रग के दूषण को भी कंट्रोल करने का संकल्प करें और हम सब आगे बढ़े। मुझे पूरा विश्वास है, मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं, इनके नेतृत्व में नशा मुक्त भारत का हमारा जो संकल्प है वो छत्तीसगढ़ उसमें निश्चित रूप से अपना सर्वोच्च योगदान देगा, और प्रशासन ने भी ठीक ठीक तैयारियां की है, आज उसका जायजा भी लिया गया है, और एनसीबी की नई ऑफिस भी सदैव राज्य के तंत्र के समर्थन में रहेगी। तो अंत में मैं आप सभी को ये लड़ाई के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और अपील भी करना चाहूंगा फिर से एक सूत्र को हम याद करें कि जो उपयोग करता है वो सिस्टम का, ये दूषण का विक्टिम है, और जो व्यापार करता है वो गुनहगार है। इस सूत्र को हम ध्रुव वाक्य बनाकर आगे बढ़े, यही मेरी आप सबसे विनंती है। वंदे मातरम। धन्यवाद महोदय, हृदय की गहराइयों से आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आभार कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम से ये समय निकाला इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए। साथ ही आभार है माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और सभागार में उपस्थित केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से आए सभी गणमान्य अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्रवाई एक बड़ी कार्रवाई के रूप में होगी, और जिस तरह एनसीबी का एक कार्यालय स्थापित किया गया, इस एनसीबी कार्यालय की स्थापना के साथ सरकार की नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो स्थापित होगी, और नशे के खिलाफ जो एक्शन राज्य की, केंद्र की सरकारों द्वारा लिए जा रहे हैं उस एक्शन पर ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, सभी का और खासकर मुख्यमंत्री का भी उन्होंने धन्यवाद किया, उन्हें बधाई दी।